गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू हैप्पी लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग किस्म के रजिस्टर के बारे में। ये रजिस्टर जो है ये कंपलसरी नहीं है या फिर बोला नहीं गया है ऐसा रजिस्टर बनाने के लिए, बट दिस माइट हेल्प यू इन योर वर्क एंड एक बेहतर आइडिया आपको दे सकता है आपके काम को लेकर। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कि ये रजिस्टर क्या है। तो गाइस, जो रजिस्टर में बताना चाहते थे उसका नाम मैंने रखा है स्क्रीनिंग कैंप रजिस्टर। ठीक है, आए दिन हम लोग अपने सब सेंटर पे या फिर फील्ड एरियाज पे स्क्रीनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसमें हम लोग को एक रजिस्टर जो है वो मेंटेन करना पड़ सकता है या फिर एक डाटा मेंटेन करना पड़ता है कि कितने बेनिफिशरीज हुए, क्या टेस्ट किया, उसका रिजल्ट क्या था। ठीक है, अगर आप इसका एक कंबाइंड रिपोर्ट रखते हैं तो जब भी कोई विजिटर आता है आप इस रजिस्टर को प्रेजेंट कर सकते हैं टू शो केस योर वर्क टू द अथॉरिटीज। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है यहाँ पे। तो रिसेंटली जो मेरे सब सेंटर पे ऑर्गेनाइज किया गया है वो एक एनीमिया स्क्रीनिंग कैंप था, जो कि 26th of September को ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिकली एनीमिया स्क्रीनिंग कैंप में हम लोग हेमोग्लोबिन चेक करते हैं एंड ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे टेबल बनाया है वो है सीरियल नंबर का, बेनिफिशरीज का नाम है, एज है, हेमोग्लोबिन कितना आया है वो लिखा है, साथ में क्या ट्रीटमेंट दिया है हम लोगों ने। एज के हिसाब से आयरन कैल्शियम टैबलेट्स, फॉलिक एसिड टैबलेट्स, आयरन सिरप फॉर किड्स, पेडियाट्रिक ग्रुप में जो आते हैं, एंड साइड में एक कॉलम हम लोगों ने रखा है रिमार्क्स के लिए, इफ़ देर इज़ एनी केस ऑफ इमरजेंसी हम लोगों ने उसके साथ क्या किया, रेफर किया या फिर क्या ट्रीटमेंट मिला उनको, वो सब दिखाने के लिए ये स्पेस जो है हम लोगों ने रखा है। ओके, नाउ क्योंकि ये रजिस्टर स्क्रीनिंग कैंप्स को लेकर ही है, यहाँ पे ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एनीमिया स्क्रीनिंग कैंप का अलग से एक रजिस्टर बनाएंगे या फिर किसी और स्क्रीनिंग कैंप का एक रजिस्टर बनाएंगे। सारे स्क्रीनिंग कैंप्स जो आप ऑर्गेनाइज करते हो आप इसी रजिस्टर में बना के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी दिन आपने एनसीटी स्क्रीनिंग कैंप किया है तो सेम इसी तरह आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें आप सीरियल नंबर लिखेंगे, बेनिफिशरीज के नाम, एज एंड उनका जो टेस्ट आप लोग कर रहे हैं वो लिखेंगे। ठीक है, देन अगर ये पेशेंट्स जो है सस्पेक्टेड केस होते हैं देन यू कैन फर्दर इन्वाइट देम और कॉल देम सम अदर डे फॉर एंटरिंग देम इनटू योर मेन रजिस्टर, और या फिर आप आगे जो है फर्दर वो प्रोसेस कर सकते हैं। इस रजिस्टर में आपको ज़्यादा डिटेल होने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड द सीरियल नंबर, नेम, एज एंड टेस्ट रिपोर्ट्स एंड द ट्रीटमेंट दैट यू गिव टू द पेशेंट एंड अ रिमार्क सेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग कैंप रजिस्टर। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। आगे भी मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन। एंड आप लोग को क्या वीडियोस क्या टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए आप मुझे लिख के बोल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। सो बाय बाय एंड कीप लर्निंग।